सितंबर माह में ताजनगरी में उत्तर भारत के ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव का आयोजन होगा। श्री रामलीला कमेटी के पास नगर के विभिन्न स्थानों से जनकपुरी सजाने की मांग के पत्र आए हैं। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि कमेटी जल्द ही जनकपुरी स्थान की घोषणा करेगी। सितंबर माह में ताजनगरी में उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव का आयोजन होगा। श्री रामलीला कमेटी के पास नगर के विभिन्न स्थानों से जनकपुरी सजाने की मांग के पत्र आए हैं। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि जिन स्थानों से जनकपुरी सजाने की मांग के पत्र आए हैं, उन स्थानों का विस्तार में सर्वे करके जनकपुरी सजाने का निर्णय किया जाएगा, जिसकी सूचना जल्द मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। आगरा में चारों तरफ से रामलीला, राम बारात, जनकपुरी के प्रति लोगों में बहुत उत्साह रहता है। आगरा और आगरा के आसपास के ज़िलों से भी लोग उसमें आते हैं। जनकपुरी के लिए पूरे आगरा में बहुत उत्साह है चारों तरफ। हमारे पास एक दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमारी रामलीला कमेटी की जो उप समिति है वो काफ़ी जगह गई है और वो समिति हमारी सबसे उपयुक्त स्थान को तलाशने में लगी है। उपयुक्त स्थान सभी हैं, लेकिन लोगों की डिमांड, लोगों में उत्साह, स्थान, सारी चीज़ों की परख करने के लिए गई है। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि इस बार राम बारात काफी भव्य होगी। कमेटी इस बार भगवान श्री राम के डोले को दोपहर में निकालने का प्रयास करेगी, जिससे राम बारात समय से निकल जाएगी। इसलिए हर स्थान के आवेदकों का हमारे इसीलिए तो निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है कि भाई साहगंज से भी आया, इधर भावना स्टेट का भी, इधर दयालबाग भी चाहता है कि हमारे यहाँ बने, लॉयर्स कॉलोनी वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने, कमला नगर एक्सटेंशन यानी कर्मयोगी बहुत पुरानी कॉलोनी है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने, बल्केश्वर एक्सटेंशन वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बने। अभी बहुत सारी जगह से और भी मौखिक रूप से हमसे आवेदन किया है, कहा कि भाई हमारे यहाँ जनकपुरी दिलवा दें तो हम आवेदन कर दें। तो हमने उन सबको यही निवेदन किया कि भैया आगे देखना, इधर तो बहुत आवेदन आ चुके हैं और उनका सर्वे चल रहा है। श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना है कि इस बार मंचीय लीलाएं भी काफी भव्य होंगी। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।